विजय थलापति का जवान फिल्म के अंदर कैमियो है या नहीं है। आप सबने गाइस इस पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको कहीं और से भी अपडेट जरूर मिली होगी, लेकिन अभी तक गाइस ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या सचमुच विजय थलापति का कैमियो होने भी वाला है या नहीं। लेकिन गाइस अब लगता है कि कंफर्म हो जाएगा। वो कैसे, वो जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट है भाई, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को मस्ट से लाइक कर दे ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस में आपको लाके देता रहूं। तो गाइस सबसे पहले तो जितने भी शार्कियंस हैं उनके लिए गुड न्यूज है, और वो ये है कि कल ही रात के टाइम आई थिंक सो मेकर्स ने पोस्ट लगाई थी कि जो जवान का प्रीव्यू था उस पे गाइस ऑल प्लेटफॉर्म से 200 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। कितने, 200 मिलियन व्यूज आ चुके हैं ऑल प्लेटफॉर्म्स से। तो गाइस क्या लगता है, जिस तरह से जवान का प्रीव्यू इतना बड़ा हिट हुआ है, क्या गाइस ट्रेलर भी हिट हो पाएगा या नहीं? मैं आपको इतना भी बताता चलूं, जवान के प्रीव्यू ने ऑल प्लेटफॉर्म से डे वन में ही 100 मिलियन प्लस व्यूज गेन किए थे। तो क्या लगता है जवान का ट्रेलर भी ऑल प्लेटफॉर्म से डे वन में 100 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर पाएगा या नहीं? नाउ हम चलते हैं कैमियो की तरफ। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता भी है कि पिछले 6 महीने में काफी टाइम किसी न किसी दिन ये होता था, अचानक से न्यूज आ जाती थी कि विजय थलापति का कैमियो है जवान के अंदर, सब उस पे बात करने लग जाते थे लेकिन फिर सब कुछ चुप हो जाता था। सेम टू सेम गाइस इसी तरह का एक सीन आजकल में भी चल रहा है, लेकिन ये सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले गाइस क्या होता था, विजय थलापति का कैमियो है या नहीं है ये अपडेट्स आती थी बॉलीवुड की तरफ से। बॉलीवुड के लोग होते थे, मैं होता था, आप में से कोई होगा, कोई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से होगा, तो वो न्यूज देते थे कि भाई हाँ विजय थलापति का कैमियो है। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ हटकर हुआ है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यही चाहिए था तो ये गलत नहीं होगा। क्या सीन गाइस, जितने भी साउथ के अंदर तमिल के अंदर विजय थलापति के फैंस हैं, अब गाइस उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है कि हाँ विजय थलापति का कैमियो है जवान के अंदर। छोटा सा कैमियो होगा, 1-2 मिनट का, लेकिन जो एटली कुम्हार है वो गाइस यूनिवर्स बनाने के चक्रों में है, एटली यूनिवर्स होगा। अब गाइस ये किस टाइप का यूनिवर्स है नहीं पता, लेकिन उसके अंदर विजय थलापति को भी वो ऐड करेंगे। अब गाइस में भी वो जो लास्ट पे पोस्ट क्रेडिट सीन होता है उसमें होंगे, या किसी और में, या मे बी क्लाइमैक्स सीन में आ जाए, या फिर मे बी मूवी के मिड में आ जाए, कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन गाइस ये जो अभी खुद मतलब कि विजय थलापति के फैन है, जैसे गाइस देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी शार्कियंस बैठे हैं ट्विटर के ऊपर, शार्कियंस के ऑफिशियल पेज हैं, और इनमें से जो बहुत ऊपर लेवल के हैं उनको पता होता है कि भाई शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होगी, जो अभी आने वाली है उनमें क्या हो रहा है, ट्रेलर कब आएगा, सब पता होता है। वो बता नहीं सकते क्योंकि गाइस आपको पता है बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन साउथ फैंस वो नहीं डरते भाई साहब, वो मैं कहता हूँ पता नहीं क्या चीज है, डायरेक्ट चीज है, कहते हैं ये लो। तो वहीं पे साउथ के जो बहुत बड़े विजय थलापति के फैंस हैं ट्विटर के ऊपर, उन्होंने ही गाइस रिवेल किया या पोस्ट किया या लीक्ड किया कि हाँ भाई विजय थलापति का 1 मिनट का कैमियो होगा जवान के अंदर, नहीं पता क्या है लेकिन होने वाला है। अच्छा मजे की बात, जब मैंने भी अपने सोर्स से पूछा था ना, मतलब शंकु भाई से, आप सब जानते भी होंगे, तो शंकु ने मुझे बोला था कि इस चीज को बड़ा हिडनली रखा गया है, मतलब हमें इतना पता है कि फिल्म के अंदर एक सीन बहुत हिडन तरीके से शूट किया गया था। इस सीन को जब शूट किया जा रहा था तब मतलब कि जो फालतू लोग होते हैं उनको नहीं बुलाया गया था, जिनका रोल था उन्हीं को, सम कैमरामैन एटसेट्रा, उसके अलावा कोई भी नहीं था इस सीन को शूट करने के लिए, इसको बहुत ही स्क्योर रखा गया था। तो मे बी ये सीन विजय थलापति का हो, हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी गाइस आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है, क्या सचमुच विजय थलापति होंगे? लेकिन मैं गाइस कहता हूं कि जिस तरह स्टार्ट से ही शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान को साउथ में बहुत उठाया है ना, लाइक अभी देखिए जो जवान का ट्रेलर भी रिलीज होगा वो चेन्नई में रिलीज होगा, और उसके गाइस चीफ गेस्ट मतलब के और भी बड़े-बड़े एक्टर आएंगे, लेकिन उनमें से एक विजय थलापति होंगे। तो गाइस खुद देख ले, विजय थलापति को स्टार्ट से ही बहुत टारगेट किया जा रहा है, तो किस वजह से, क्या गाइस वो जवान में कोई कैमियो है उनका, और अगर हो जाता
होता है तो फिर तो ऑफ कोर्स आप छोड़ ही दे, फिर जो तमिल से कलेक्शन है वो अनबिलीवेबल से होंगे। वैसे ही वहां पे तमिल में इस टाइम जवान का ठीक क्रेज है, ऑडियंस देखना चाहती है। डिपेंड करता है कि फिल्म उनके टाइप की हो या नहीं, लेकिन एटली कुमार है तो फिल्म साउथ के स्टाइल में ही बनाई गई होगी, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो इस फिलहाल के लिए इतना ही, होप सो वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और अगली आने वाली वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।